हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय कुमार और आप देख रहे हैं लर्न टेक्सटाइल विद ए के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लैब फार्मर के बारे में पढ़ेंगे तथा लैब प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और कन्वेंशनल मेथड और मॉडर्न मेथड क्या है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक फॉर कॉम्बिंग। द कॉम्बिंग ऑपरेशन इट सेल्फ, फीडिंग, नीपिंग, कॉम्बिंग, डिटैचिंग इज ए वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस विच रिक्वायर्ड बेस्ट इक्विपमेंट, ऑप्टिमल स्टेबल सेटिंग, एक्सीलेंट मेंटेनेंस, केयरफुल हैंडलिंग। नीड फॉर मेकिंग कॉम्बिंग लैब। कार्डिंग से प्राप्त फाइबर कॉम्बिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि फाइबर का अरेंजमेंट ठीक नहीं होता है। यदि कार्डिंग के स्लाइबर को काम्बर में फीड किया जाए तो निपर फाइबर के हायर पॉइंट पर ग्रिप करेगा तथा लो पॉइंट पर ग्रिप नहीं कर पाएगा। टास्क ऑफ लैब फार्मर। रिड्यूस इरेगुलरिटीज सच एज थिक एंड थिन प्लेसेस। प्रोड्यूस रेगुलर एंड इवन लैब फॉर काम्बर। पैरालाइज एंड स्ट्रेट द फाइबर्स इन ए लैब, मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्ट ऑफ गुड फाइबर। लैब प्रिपरेशन मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैब प्रिपरेशन मेथड। नंबर एक कन्वेंशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। कन्वेंशनल मेथड में दो मशीनों का यूज़ किया जाता है, स्लाइबर लैब मशीन और रिबन लैब मशीन, जबकि मॉडर्न मेथड में सिर्फ एक मशीन का यूज़ किया जाता है, सुपर लैब मशीन। स्लाइबर लैब मशीन। फिगर में स्लाइबर लैब मशीन के डायग्राम को दिखाया गया है जिसमें कार्डिंग से प्राप्त 24 स्लाइबर को फीड रोलर में फीड किया जाता है और फीड टेबल पर स्लाइबर को साइड बाय साइड अरेंज करके एक वेव के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और इस वेव को 3/3 ड्राफ्टिंग सिस्टम में भेज दिया जाता है जहां पे 1.5 का ड्राफ्ट दिया जाता है और इस ड्राफ्टेड वेव को कैलेंडर रोलर के बीच से गुजारा जाता है जहां पे इस वेव को कंप्रेस कर दिया जाता है और इस वेव को फ्लूटेड रोलर में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक इम्पटी स्पूल में लैब को वाइंड कर लिया जाता है। रिबन लैब मशीन। फिगर में रिबन लैब मशीन के डायग्राम को दिखाया गया है। इसमें 6 हेड होते हैं जिसमें स्लाइबर लैब से बनी हुई लैब को फीड किया जाता है। प्रत्येक हेड में 4/4 ड्राफ्टिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। जब लैब को फीड किया जाता है तो यह 4/4 ड्राफ्टिंग जोन में आता है और इस लैब की ड्राफ्टिंग होती है और ड्राफ्टिंग के बाद यह ड्राफ्टेड वेव डिफ्लेक्शन प्लेट से मोड़ दिया जाता है और इसे वेव प्लेट पर भेज दिया जाता है। वेव प्लेट पर प्रत्येक ड्राफ्टेड वेव एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है और इसे डेड वेट से प्रेस किया जाता है और यह कैलेंडर रोलर के बीच गुजरती है। कैलेंडर रोलर इसे कंप्रेस कर देता है और फ्लूटेड रोलर की सहायता से स्पूल में लैब की वाइंडिंग हो जाती है। मॉडर्न लैब फार्मर और सुपर लैब फार्मर। फिगर में मॉडर्न लैब फार्मर को दिखाया गया है। इसमें ड्राफ्रेम से प्राप्त 24 या 28 स्लाइबर कैन को फीड किया जाता है और फीड टेबल पर स्लाइबर को साइड बाय साइड अरेंज करके ड्राफ्टिंग जोन में फीड कर दिया जाता है। ड्राफ्टिंग के बाद फाइबर वेब कैलेंडर रोलर से कंप्रेस कर दिया जाता है और इस कंप्रेस वेव को एक इम्पटी स्पूल में वाइंड कर लिया जाता है जो एक लैब का रूप धारण कर लेती है। एडिशनल फीचर ऑफ सुपर लैब फार्मर। ऑटोमेटिक वेट पर यूनिट लेंथ एडजस्टर। सुपर लैब फार्मर में ऑटोमेटिक वेट पर यूनिट लेंथ को एडजस्ट करने का सिस्टम लगा हुआ होता है। ऑटो डॉफिंग फॉर फुल लैब्स। सुपर लैब मशीन में ऑटो डॉफिंग सिस्टम लगा हुआ होता है जो फुल लैब होने पर ऑटोमेटिकली डॉफ कर देता है। ऑटो स्टॉप मोशन। सुपर लैब मशीन में ऑटो स्टॉप मोशन लगा हुआ होता है जो कि मशीन में किसी भी प्रकार के स्लाइबर ब्रेकेज होने पर मशीन को स्टॉप कर देता है। लैब लेंथ मेजरिंग यूनिट। सुपर लैब फार्मर में लैब लेंथ मेजरिंग यूनिट लगा हुआ होता है। इंडिकेटिंग लाइट्स फॉर डिफरेंट फॉल्ट लोकेशन। सुपर लैब फार्मर में
डिफरेंट प्रकार की लाइट्स लगी होती हैं जो अलग अलग फॉल्ट्स को इंडिकेट करती हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल लर्न टेक्सटाइल विद एके को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।